नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ। मैं हूं वर्षा सिंह और अब नजर आज की खबर पर। राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना को बताया मास रेपिस्ट। जेडीएस बोली 400 पीड़िताओं की जानकारी दें कांग्रेस नेता प्रज्वल रेवन्ना। मामले में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर है। उधर प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। राहुल ने अपनी रैलियों में भी प्रज्वल रेवन्ना को मास रेपिस्ट कहा। राहुल के बयान को लेकर जेडीएस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। राहुल के बयान को लेकर जेडीएस ने सख्त ऐतराज जताया है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं बयानबाजी को लेकर जेडीएस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। जेडीएस ने राहुल के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दी है। जेडीएस ने राहुल द्वारा शिवमोगा और रायचूर में दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने क्या कहा था? जेडीएस की शिकायत के मुताबिक राहुल ने रायचूर और शिवमोगा की रैली में बयान दिया था कि राहुल ने कहा था प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का दुष्कर्म करता है और वीडियो बनाता है, इसे सामूहिक दुष्कर्म कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की जनता के सामने मास रेपिस्ट का समर्थन दे रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप मास रेपिस्ट को वोट करते हैं तो उन्हें इससे मदद मिलेगी। क्या है जेडीएस की मांग? जेडीएस ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जेडीएस ने कहा कि राहुल गांधी के पास ऐसी जानकारी है कि प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। राहुल गांधी को एसआईटी की पीड़िताओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल इंडियन टीवी न्यूज के साथ। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।